देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और वो भी महिला। और इस देश में तो महिलाओं की पूजा की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाते नहीं है। ये महिलाओं का अपमान है। अपने बच्चे को बच्ची को कि ना तो बॉयफ्रेंड बनाना ना गर्लफ्रेंड बनाना। शिक्षा लेने गया तो शिक्षा ग्रहण करना, शादी तो आज नहीं कल होके रहे। बुधाय आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध ज्ञान के सभी दिन ज्ञान के होते हैं, बुद्ध के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर यह है कि आज जो नई संसद बनी है उसके उद्घाटन के लिए हरियाणा में मेरी डिबेट हुई थी और सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जो देश की प्रथम नागरिक है, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और वो भी महिला। और इस देश में तो महिलाओं की पूजा की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाते नहीं है। ये महिलाओं का अपमान है। तो आज के दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि आपको हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से नई संसद का उद्घाटन कराएं, लेकिन वो बात मानी नहीं गई। आज भी ये स्त्रियां शूद्रों से भी नीचे हैं, आज भी इनकी स्थिति है। हमारी महिलाएं टीवी देखती है, मैं महिलाओं की ज्यादा बात करूंगी, हमारी महिलाएं टीवी देखती है, पार्लियामेंट के अंदर लगा तो अशोक चक्र है, लेकिन हमें नहीं पता किसी को टीवी देखते हैं वो तो सुदर्शन चक्र नजर आएगा। अगर हम घर घर में महिलाओं को नहीं बताएंगे तो वो कहेंगे देखिए ये तो सुदर्शन चक्र है जो सारी चक्रों को जो है ना चक्कर चलाते हैं और सारी समस्याओं को दूर करते हैं। वो अशोक चक्र किसी को याद नहीं रहेगा, ये याद रखना, जब तक घर घर में फैलाएंगे नहीं। तीसरा मैं कहूंगी, गर्भ संस्कार करना पड़ेगा आप लोगों को। जेएनयू में गर्भ संस्कार कराया जा रहा है, पंडित बुलाते हैं और कहते हैं जी गर्भ में ही जैसे अर्जुन ने सीख लिया था चक्रव्यूह भेदना, इसी तरीके से जब महिला जो है ना गर्भवती होगी तो यहां जो है चालीसाएं वालीसाएं पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चा संस्कारी हो। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो पांच उन्होंने जो बातें कही हैं पंचशील, अगर महिलाओं को तक ये बातें नहीं पहुंची तो आप कितना भी जोर लगा लेना आपके आदमी जो है शराब पीना छोड़ेंगे नहीं। देखिए अगर हम महिलाओं के संस्कार गर्भ में संस्कार करें कि पंचशील अपनाना होगा, महिलाओं को पता हम चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो आपके आदमी और बच्चों को नशे की तरफ ले जाते हैं, इसका खोज महिलाओं को करनी पड़ेगी। तभी वो अपने बच्चे को जब लड़का पैदा होगी तो उस लड़की पैदा होगी तो उसको नशे से दूर रखने के तरीके बताएगी और उस पर नजर रखेगी, तभी नशा जो है दूर हो सकता है, नहीं तो नशा दूर नहीं हो सकता। दूसरा जो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि व्यभिचार, जब तक महिलाओं के गर्भ में ये संस्कार नहीं डालेंगे कि पराई स्त्री या पराई मर्द की तरफ देखना पाप होता है, वो अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालेगी जन्म से ही कि बेटा कि आप टीवी दिखाता है कि भैया लड़की 16 साल की भी नहीं हुई और उसका कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और कॉलेज तक आते आते अगर आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये तू लड़का ही नहीं है, तू लड़की ही नहीं है। तो यानी माँ को ये सिखाना पड़ेगा गर्भ में बच्चे को बच्ची को कि ना तो बॉयफ्रेंड बनाना ना गर्लफ्रेंड बनाना। शिक्षा लेने गया तो शिक्षा ग्रहण करना, शादी तो आज नहीं कल होके रहे। जब माँ अपने बेटे में ये डाल देगी कि भाई दूसरी शादी नहीं कर सकता, बाबा साहब ने बहु विवाह को रोककर
सिंगल विवाह की तरफ, तलाक लेगा तब दूसरा विवाह होगा, या अगर कोई मर जाता है तो दूसरा विवाह होगा। तो अगर ये महिलाएं गर्भ संस्कार इनका नहीं होगा तो इन्हीं के सामने, आंखों के सामने लड़का दो दो बीवी रख के ले आएगा। आज भी मैं उधर हरियाणा में एक लड़का मर गया, उसकी दो बीवी थे, चार बच्चे थे, दोनों विधवा हो गई। आज भी ये काम हो रहा है। तो यानी महिलाओं पर काम करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे गौतम बुद्ध की सारी बातें तो तभी विचारों में आएंगी जब तक महिलाओं के गर्भ संस्कार नहीं है। वो अगर गर्भ संस्कार कर सकते हैं तो क्या हम गर्भ संस्कार नहीं कर सकते? ये 50% जब तक नहीं जागेगा हमारा देश यूं ही गुलाम रहेगा। तो मैं ज्यादा अपनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन मोदी जी को जरूर ललकारूंगी कि आज जो राजधर्म की स्थापना की है तो ये राजाओं को आपको जगा रहे हैं कि आप राजाओं की औलाद है। अगर मोदी जी राजदंड की स्थापना कर सकते हैं तो कल आप राजा बनकर उनको उनके कर्मों की सजा दे सकते हैं। इसीलिए राजदंड की स्थापना करनी है। हम किसी भी चीज को नेगेटिव ना ले, आज हम पॉजिटिव लेंगे। अगर तुम्हें राजा बनना है तो हमें भी राजा बनना आता है, क्योंकि असली वंशज तो राजाओं का खून तो हमें दौड़ रहा है। तो सभी मैं करुणाशील रोशन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं एक दुविधा में जरूर रहती हूँ कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। अगर नौकरी होती तो ये लोग जो है आरक्षण की वजह से, बाबा साहब की वजह से, ज्योतिबा फूले की वजह से, सावित्रीबा फूले की वजह से पड़ जाते हैं, साहू जी महाराज की वजह से पड़ जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं वो बेचारे अपना सब कुछ त्याग कर भी बड़ी कठिनाई से अपनी बातों को, अपने विचारों को जो है आगे रखते हैं। तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है कि मैं ऐसे पैसे की हेल्प नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं नौकरी करती क्या पता मैं कर पाती, लेकिन अब जो है वो समय गया। मैं सोचती नौकरी करूं या जगाऊं, दोनों मेरे पास जो है ना उलझन का एक वो रहता है मेरे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद करुणाशील रोशन जी का, आप इसी तरीके से लोगों को जगाते रहिए और महिलाओं की जागृति पर बहुत जो है ना ध्यान देने की जरूरत है। एक बार मातृशक्ति के लिए सभी जोरदार ताली बजाएंगे। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। ये मेरी महिलाएं जब तक दहाड़ेंगी नहीं, जो दहाड़ता है तो ही लोग डरते हैं, और जो मिमियाता है उससे लोग डरते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं। तो जब तक ये महिलाएं दहाड़ेंगी नहीं तो जो कोंडली कांड हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। दिल्ली में ऐसे कांड हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता बहन बेटियां कहां चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद।